Good morning everyone, this is Anilkesh Sharma. Welcome to Oracle Tech India. Today is the video about a new topic, functional dependency in database management system. तो functional dependency में ये मेरा first video lecture है और functional dependency database के normalization वाले topic से जुड़ा हुआ है. तो functional dependency का ये topic लगभग 4 से 5 video lecture में cover होगा. तो वीडियो को देखते रहिए और चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं. फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड डीकंपोजिशन. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड डीकंपोजिशन इज यूज्ड टू अचीव द मिनिमम रिडंडेंसी इन द डेटाबेस. तो डेटाबेस में मिनिमम रिडंडेंसी को अचीव करने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी और डीकंपोजिशन को यूज करते हैं. तो मिनिमम रिडंडेंसी का मतलब है कि डेटाबेस में जो है कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखी जाती है. जैसे कि एम्प्लॉय के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में, डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में, लोकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लोकेशन टेबल में. तो कंपनी के इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अलग अलग टेबल्स में स्टोर करके रखी जाती है और उसके बाद उन टेबल्स को जो एक कैटेगरी की टेबल है उनके बीच में रिलेशन भी बनाया जाता है. मतलब टेबल्स को टेबल्स के बीच में रिलेट भी किया जाता है प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू. तो पूरा का पूरा डेटाबेस तैयार हो जाता है. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती है टेबल्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते समय कि रिडंडेंसी प्रॉब्लम आ जाती है. मतलब एक कॉलम में टेबल्स के किसी भी कॉलम में डेटा की डुप्लीकेसी आती है. बार बार एक ही डेटा जो है रिपीट होकर के आता है. तो एक ही डेटा बार बार रिपीट होकर के जब आता है तो उसको कहते हैं डेटा रिडंडेंसी. मतलब डेटा का डुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेट डेटा बार बार ओकर हो रहा है. तो ऐसे रिडंडेंट डेटा को जो है रिमूव करना पड़ता है. तो रिमूव करने के लिए हम पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन का चैप्टर. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मेरा ये चैप्टर फिनिश होने के बाद हम दूसरा टॉपिक जो है नॉर्मलाइजेशन वाला ही स्टार्ट करेंगे. बट फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम जो है डेटा के डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए जो है किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए उन सारी बातों को कंसंट्रेट करने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम पढ़ते हैं. बट प्रैक्टिकली जो है रिडंडेंट डेटा को डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कैसे करना है प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन वाले टॉपिक में. तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि रिडंडेंट डेटा को या डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए हमें किन किन कॉलम्स पे कौन कौन से कीज वगैरह पे ध्यान देना चाहिए. तो बेसिकली यही सब आज के वीडियो लेक्चर में फोकस करेंगे. तो इट इज यूज्ड टू नॉर्मलाइज द डेटा बेस. तो डेटा बेस को नॉर्मलाइज करने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज करते हैं. तो नॉर्मलाइज का मतलब डेटा बेस में डुप्लीकेट डेटा बार बार ना आए उसको दूर करने के लिए हम इसमें नियम रूल और मतलब रूल्स पढ़ते हैं. तो डुप्लीकेट डेटा बार बार जो है टेबल्स में आने से क्या होता है कि स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करता है, डेटाबेस करप्ट होने का डर होता है और डेटाबेस से जब हम कोई इंफॉर्मेशन फेच करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय कोई इंफॉर्मेशन फेच करता है तो इन्फॉर्मेशन को फेच करने में जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर रिडंडेंट डेटा बार बार आए तो. तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर कोड इन 1970. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर कोड इन 1970. फंक्शनल डिपेंडेंसी को इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर कोड ने 1970 में. तो इसका पूरा नाम था ईएफ कोड, एडगर एफ कोड, जिसने रिलेशनल डेटाबेस को इन्वेंट किया था.
नेक्स्ट है एफ डी फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड डीकम्पोजिशन में हमारा सबसे पहले है कि एफ डी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। इन ए रिलेशन मतलब एक रिलेशन में, रिलेशन मतलब एक टेबल में, वन एट्रीब्यूट यूनिकली डिटरमिन्स अनदर एट्रीब्यूट और वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट टेल्स द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट इन द सेम टेबल। तो एक रिलेशन में, एक टेबल में एक एट्रीब्यूट का मतलब एक कॉलम का नाम, एक कॉलम नेम, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो सकता है। तो वो क्या करता है, यूनिकली डिटरमिन्स, वो यूनिकली डिटरमिन करता है अनदर एट्रीब्यूट को, मतलब एक कॉलम नेम जो है वो दूसरे कॉलम नेम को क्या करता है, डिटरमिन करता है, बताता है कि ये कॉलम नेम मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो वन एट्रीब्यूट एक कॉलम यूनिकली डिटरमिन्स अनदर एट्रीब्यूट अनदर कॉलम। तो वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट, एक कॉलम की जो वैल्यू है, एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, टेल्स वो बताता है द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, दूसरे कॉलम के वैल्यू को वो इंडिकेट करता है, बताता है इन द सेम टेबल, उसी टेबल में। इसी को फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो इसको अब हम नीचे समझते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा कि वन एट्रीब्यूट कैसे यूनिकली डिटरमिन्स करता है अनदर एट्रीब्यूट को, या फिर वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट कैसे बताता है अनदर एट्रीब्यूट के वैल्यू को इन द सेम टेबल में। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए है हमारे पास, तो ए का मतलब क्या है यहाँ पर, एट्रीब्यूट नेम, कोई भी एक एट्रीब्यूट, कोई भी एक कॉलम नेम। वो क्या कर रहा है यहाँ पे, डिटरमीन कर रहा है कॉलम बी को, मतलब दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमीन कर रहा है। कैसे, तो यहाँ पे बता रहा है कि ए इज डिटरमिंड एंड बी इज डिपेंडेंट। तो एक टेबल के अंदर जो ए कॉलम है वो किसी भी कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है। वो बताता है कि दूसरे कॉलम या दूसरा कॉलम मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो ए कॉलम जो है इज डिटरमिंड एंड बी कॉलम जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ए एट्रीब्यूट ए कॉलम। तो यहाँ पर ए कॉलम, लेट सपोज कोई भी ए कॉलम हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी कभी किसी दूसरे कॉलम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कैसे, एम्प्लॉय आईडी से हम किसी भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बट एम्प्लॉय आईडी के अलावा लेट सपोज कोई दूसरा कॉलम है तो उसको बी कॉलम बोल रहे हैं। तो बी कॉलम जो है वो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो बी कॉलम लेट सपोज एम्प्लॉय का नेम है, तो एम्प्लॉय के नेम, तो एक ही नेम के दो बंदे भी हो सकते हैं, एक ही नेम के दो बंदे भी हो सकते हैं। तो उसको फिर यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। अगर दो अलग अलग बंदे भी होंगे तो उसकी एम्प्लॉय आईडी जो है वो अलग अलग होगी। तो एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम है जिसको ए बोला गया है वो डिटरमिनेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट जो कॉलम बी है, एम्प्लॉय नेम वाला जो कॉलम है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कॉलम ए के ऊपर। तो एट्रीब्यूट ए डिफाइंस एट्रीब्यूट बी। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉलम ए है, एट्रीब्यूट ए है, वो डिफाइन करता है एट्रीब्यूट बी को। तो कैसे, अब इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं तो यहां पर आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। तो यहां पर कॉलम ए या एट्रीब्यूट ए जो है वो है एस एस नंबर जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर, किसी की भी ये यूनिक आईडी हो सकती है। और यहां पर बी एट्रीब्यूट जो है वो है किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो यहां पर SSN नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो नेम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नेम SSN के नंबर SSN के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि SSN का मतलब सोशल सिक्योरिटी नंबर
ये किसी भी व्यक्ति को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसके इसकी आईडी होगी। इसमें जो भी सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखा हुआ होगा वो किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करेगा। और नेम एट्रीब्यूट जो है, नेम एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंडेंट होगा सोशल सिक्योरिटी नंबर पे, क्योंकि एक नेम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं बट उसकी सोशल सिक्योरिटी नंबर सेम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो कॉलम है SSN नंबर का, वो जो है वो डिटरमिनेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट नेम वाला जो कॉलम है, नेम वाला जो एट्रीब्यूट है वो SSN नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है एम्प्लॉइज नेम कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड फ्रॉम देयर SSN नंबर। तो एम्प्लॉई का नाम जो है वो डिटरमिन की जाती है सोशल सिक्योरिटी नंबर से, क्योंकि एक नाम से बहुत सारे व्यक्ति होंगे बट उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर सेम नहीं होगा, वो अलग-अलग होगा। तो इस तरीके से एम्प्लॉई का नाम जो है वो डिपेंडेंट है सोशल सिक्योरिटी नंबर के ऊपर। तो द रिवर्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज मोर देन वन एम्प्लॉय कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो यहाँ पर SSN नंबर जो है वो यूनिक नेम होंगे, मतलब यूनिक नंबर होंगे, और एम्प्लॉय के नाम जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेम नाम के हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा सेम नाम वाले बंदों की जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर आपका SSN नंबर जो है वो क्या हो गया, एक तरीके से आईडी का काम कर रहा है, और नेम वाला जो एट्रीब्यूट है, कॉलम है, वो SSN नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो है नेम जो है वो डिपेंडेंट है सोशल सिक्योरिटी नंबर के ऊपर। तो इसी को बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक कॉलम जो होगा वो आईडी के फॉर्म में होगा, वो एम्प्लॉई आईडी हो सकती है, वो सोशल सिक्योरिटी नंबर हो सकता है, वो डिपार्टमेंट नंबर हो सकता है, और बाकी के जितने भी कॉलम्स होंगे वो उस एम्प्लॉई आईडी या उस सोशल सिक्योरिटी नंबर या डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो जब इस तरीके का केस होता है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। FFD फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो आइए समझते हैं कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। इफ ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, अगर सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स, सारे के सारे नॉन की कॉलम्स डिपेंडेंट हो जाए किसी की एट्रीब्यूट पे, किसी की कॉलम के ऊपर, तो इट इज कॉल्ड फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, और उस एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास पांच एट्रीब्यूट्स नेम है, पांच कॉलम्स है, जिसमें से एक कॉलम आपका की एट्रीब्यूट है, की कॉलम है, और वो है ई नंबर, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय आईडी। और ई नेम, जॉब, डीपीटी और सैलरी ये सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स है, नॉन की कॉलम्स है, और ई नेम, जॉब, डीपीटी और सैलरी वाला कॉलम जो है ये सारे कॉलम्स डिपेंडेंट है ई नेम के ऊपर, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। तो कैसे डिपेंडेंट है, लेट सपोज हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी को चेक करना चाहते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी को चेक करने के लिए हमें उसकी एम्प्लॉय नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो सैलरी डिपेंडेंट हो गया एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। किसी एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट को चेंज करना है, तो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया है, तो उसके एम्प्लॉय के टेबल में उसके डिपार्टमेंट के नाम को चेंज करना है, तो उसके लिए भी हमें उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय नंबर चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तभी डिपार्टमेंट चेंज हो पाएगा। उसके बाद लेट सपोज एक एम्प्लॉय की जॉब चेंज हो गई है, उसको किसी दूसरे जॉब में डाल दिया गया है, कोई और डेजिग्नेशन बना दी गई है, तो उस जॉब को अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए मुझे उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय नंबर चाहिए, और किसी भी एम्प्लॉय के नेम को इंसर्ट करने के लिए भी हमें एम्प्लॉय नंबर चाहिए। तो ई नेम क्या है, यहाँ पर यूनिकली
जो है इस टेबल में पड़े इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है। मतलब हम कुछ भी करेंगे इन कॉलम्स में, कुछ भी अपडेट चेंजेस करेंगे, तो उसके लिए हमें एम्प्लॉय नंबर चाहिए। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर आपका की एट्रीब्यूट है, और इस की एट्रीब्यूट पे, इस एम्प्लॉय नंबर पे ये सारे के सारे कॉलम्स डिपेंडेंट है। तो जब इस तरह का केस होता है तो इसको फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। वी हैव एम्प्लॉय टेबल और एंटिटी। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है या फिर एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है। तो टेबल और एंटिटी एक ही चीज है। हैविंग फाइव कॉलम और एट्रीब्यूट्स, और इस एम्प्लॉय नाम के टेबल में पांच कॉलम है, पांच एट्रीब्यूट्स है। ई नंबर, एम्प्लॉय नंबर, ये फर्स्ट कॉलम है। ई नेम सेकेंड कॉलम, जॉब थर्ड कॉलम, डीपीटी फोर्थ कॉलम, और सैलरी फिफ्थ कॉलम। तो यहाँ पे क्या है, हियर ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, ई नेम, जॉब, डीपीटी और सैलरी, ये चारों के चारों क्या है, नॉन की कॉलम है, नॉन की एट्रीब्यूट्स है, आर डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट ई नंबर। ये चारों नॉन की कॉलम्स जो है वो डिपेंडेंट है की एट्रीब्यूट के ऊपर, की कॉलम के ऊपर, जिसका नाम है ई नंबर, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय आईडी, किसमें, इन द रिलेशन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम के इस टेबल में। तो इसको हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो आइए देखते हैं कि पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। इफ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स, तो एक टेबल में लेट सपोज ए और बी क्या है, एट्रीब्यूट्स है, ए और बी क्या है, कॉलम्स नेम है, और अगर बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, अगर बी कॉलम डिपेंडेंट है ए कॉलम्स के ऊपर, इफ यू रिमूव सम एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ए, और अगर ए में किसी कॉलम्स को, एट्रीब्यूट्स को आप रिमूव कर देते हो, तो डिपेंडेंसी स्टिल होल्ड्स, तो डिपेंडेंसी फिर भी बनी रहती है, तो इट इज कॉल्ड पार्शियली डिपेंडेंसी। इसी को पार्शियली डिपेंडेंसी कहते हैं। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ए में दो कॉलम्स है, SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर, और दूसरा कॉलम है एज, एज का मतलब एक तरीके से डेट ऑफ बर्थ। तो हम, और यहाँ पे बी में हमारे पास नेम नाम का कॉलम है, तो नेम किसी भी टेबल में एम्प्लॉय के नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम सोशल सिक्योरिटी नंबर के बेसिस पे भी, और नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम एज या डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में ए में जो दो कॉलम्स है उसमें मैं एज वाले कॉलम्स को, डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम्स को डिलीट कर दूं, तब भी मेरी डिपेंडेंसी बनी रहेगी। तो इसी को पार्शियली फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो यू कैन रिमूव एज फ्रॉम लेफ्ट साइड, आप लेफ्ट साइड से एज वाले कॉलम को रिमूव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द नेम एट्रीब्यूट, बिना नेम एट्रीब्यूट को अफेक्ट किए। तो इन दिस केस जो डिपेंडेंसी है वो स्टिल होल्ड्स करती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मेरा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।